अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग बनने वाला है। वो कैसे बनने वाला है कि आज मैं कर रहा हूँ एक कोलैब ब्लॉग, वो भी एक कंटेंट क्रिएटर के साथ नहीं, इस बार दो कंटेंट क्रिएटर के साथ। हेलो, हाय गाइस, ये दिस इज द फर्स्ट पर्सन जिसके साथ कोलैब कर रहा हूँ। एक और बंदा है, वो हमारा वेट कर रहा है कहीं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड टाइम कोलैब। हाँ, सेकंड टाइम कोलैब। खैर, तो हम लोग जिस जगह पे जा रहे हैं वो है अरीना क्लब। वहाँ पर बेसिकली हम लोग ने एक आइडिया ये सोचा हुआ था कि हम लोग एक आपस में एक कॉम्पिटिशन रखेंगे कि वहाँ पर जितने भी सारी एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर एक दूसरे को पॉइंट्स देते रहेंगे, जो जितना जीतेगा, ड्रॉ होगा, हारेगा, और उस हिसाब से हम एक पूरा ब्लॉग बनाएंगे आज का। यस, और हमारे साथ एक और भी ब्लॉगर है, सलमान खान एसके। जी, अभी अरीना में पहुँचे हुए और वो वहाँ वेट कर रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट उस जगह पर पहुँचते हैं और फिर आप लोग को उनसे भी मिलवाते हैं। पीस आउट। हम लोग अरीना क्लब पहुंच गए हैं और हमारा जो दूसरा ब्लॉगर है वो एंट्रेंस पर बैठा हुआ है, इसी में नवाबों की तरह वेट कर रहा है। तो हम जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं फिर आपको सलमान से भी मिलवाते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं हम लोग अरीना पहुंच गए हैं और यहाँ पर ये हम चैलेंज अपना शुरू करेंगे। चैलेंज मैंने इनको किया था, सलमान भाई एसके, चेक कर लेना प्लीज़, आके चेक करना। और जगदेश चलानी भाई जो गलती से चल गए और ये बेचारे का दिल तोड़ दिया, कैमरा मैन बोल दिया, शर्म भर दिया। सबसे पहले इनके वॉइस थी आइस स्केटिंग करने के लिए, आइस स्केटिंग बंद किया हुआ है टेनिस की वजह से, बेचारे बड़े अफसरदे हो गए। क्या क्या कहेंगे आप इसके बदले, क्या बोलेंगे? और भी चीज़ें हैं वो भी देखेंगे। हाँ, पहला चैलेंज हमारा यही तरह से, मैंने उसको यही बोला था कि हम आइस स्केटिंग के ऊपर ही फर्स्ट थिंग करेंगे, और लेकिन आइस स्केटिंग का हाल कुछ ऐसा हो गया। अरीना वालो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? यार, आइस स्केटिंग तो नहीं कर पाए लेकिन हम उनकी चीज़ें पहन पा रहे हैं, तो आई डोंट नो इफ दैट्स सेम थिंग। खैर, अरे सलमान भाई कैसे हैं आप? आप भी हेलमेट पहने ना, आप भी हेलमेट पहने भाई। देखो, पहला चैलेंज मेरा आइस स्केटिंग का था लेकिन अब वो नहीं हो पाया, सो नाउ वी गोना गो टू द सेकंड चैलेंज, जो हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। वैसे क्या करना है दूसरा? एट बॉल पे जाना है। और हाँ बचपन के दोस्त एक दूसरे को ऐसे जानते हैं। ये अभी थोड़ी और फेकनेस लाओ के सामने। आई तो स्केटिंग अभी चल ही नहीं है, पता नहीं क्यों पहन के बैठा। और कैनन जी सेंसर बंदा छोड़ो कैमरा चेक करो फिर बंदा चेक करो। डिसाइड नहीं हो रहा कि पहले बॉलिंग करनी है या रॉक क्लाइंबिंग करनी है। आखिर में डिसीजन ये है कि हम लोग बॉलिंग ही करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे बाकी कितना अमाउंट बचेगा। यहाँ पर मैं इनका मुकाबला करूँगा और इनका वैसे ही काला। आप सबको पता है जीतेगा कौन। अच्छा, देखते हैं कौन जीतेगा। तो फर्स्ट बॉलिंग एरिया में जाते हैं, फिर देखते क्या होता है। बहुत भयानक लग रहा है। अच्छा, तो हम लोग ने डिसाइड ये किया है कि हम लोग है ना एज अ टीम चार लोग हैं, तो हम लोग दो टीम्स बना रहे हैं, एक जगदेश की टीम है, एक मेरी टीम है। मेरी टीम में सलमान भाई एसके हैं मेरी टीम में, और जगदेश की टीम में ये क्या नाम है, परेशान नहीं होना मैं जिताऊंगा ये जिताएगा, मुझे भरोसा है, पूरा भरोसा है इसके ऊपर। जगदेश, क्या लगता है, हारोगे ना? खैर, नर्वस होके पेंसिल गिरा दी। ये टीम जैसी, मतलब मेरी टीम जी, टीम एस के मतलब सलमान खान की, और सलमान खान की टीम में ये दो है, ये जिब्रान और सलमान, और टीम जैसी में मैं और ये। ओके, आई सी यू। मैं इस वक्त यही सोच रहा हूँ, जिसने मुझे चैलेंज किया था वो तो मेरी टीम में, क्यों बात है, मैं हरा हूँ किसको? आप मुझे हरा हूँ, मुझे हरा हूँ। सीन ये है कि जब देश की टीम ने अपनी बारी शुरू कर दी है, उसके बाद हमारी बारी भी आएगी।
और हमें जूते उतारने पड़े। आई एम सॉरी, मैंने इनको थोड़ा सा झूठ बोला था कि मुझे खेलना नहीं आता। भैया मेरी बारी है, देखते हैं क्या क्या सूरत हाल है। स्कोर तो दिखा, स्कोर स्कोर ऐसे हम लोग लीड में ही है, ऐसे मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं हल्का ही हाथ रखूंगा। चलो एक भी नहीं गया यार, एक भी। पहले मैंने हल्का हाथ रखा था, जान के ऐसे किया था, अब देखो एक्चुअल गेम। अब बना बात इज्जत पे आ गई है, देखो ये क्या था यार, उसको उंगलियां फंस गई थी। अच्छा बहाना अच्छा बहाना अच्छा है, ये सही है। अब क्या कितने और गिराएंगे? सारे सारे सारे। अच्छा चलो देखो। अबे तुम लोग क्या कर रहे हो यार, कुछ तो करो। हम लोग मेरी गिरा बात है, हमको जीतना है, जीते नहीं तो बराबर हो जाए, दुआ करो। इधर बच्चे यार, ये क्या हो रहा है यार, देख रहे हैं जगदीश भाई यहाँ गए हैं, हमारे स्कोर है 92, माय टीम का 92 है, इनकी टीम का 49 है, हाफ सेंचुरी कितनी मारी है भाई। क्या सीन है जगदीश, क्या हुआ तुम्हारे साथ? और एक गेम है यार। हाँ यार, हम मैंने पहले पहले एक साल बाद एक साल पहले खेली थी, अभी बहाने। खैर जो पहला पहली एक्टिविटी पहला गेम था, वो मुझे और सलमान को एक एक पॉइंट मिलता है, और जगदेश और उसके दोस्त को 0-0। सो अब हम जाएंगे नेक्स्ट गेम के ऊपर और वहाँ देखेंगे कि ये अपने पॉइंट्स रिडीम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो यार हम लोग को रॉक क्लाइंबिंग करने था, दूसरा गेम हमने ये डिसाइड किया था, लेकिन मसला ये कि ये जो रॉक क्लाइंबिंग का सीन जो है ना, उन्होंने बोला इट्स ओनली फॉर किड्स, क्योंकि उनका वेट वो मैनेज कर सकता है, ये वॉल हमारा वेट ये मैनेज नहीं कर सकता भाई। उसने बोला कि अगर आपको साइन करना है ना, तो अपनी ज़िम्मेदारी पे साइन करो कि बेल्ट निकले, आप गिरे या दीवार गिर जाए, ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी। हमने बोला नहीं भाई ये नहीं करना। तो उसका अल्टरनेट हम लोग यही निकाला, हम लोग जा रहे हैं रेडियो पुल के ऊपर, पुल के ऊपर बैठेंगे और हम ये देखेंगे कि पुल के ऊपर सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्ट तक कौन बच्चा रहेगा। वरना वो आपको पता है रेडियो पुल कैसी होती है, वो हिलती रहती और आपको गिरा देती है काफ़ी सेकेंड्स के अंदर। क्या बोलना चाहेंगे, ये वाला चैलेंज जीतोगे नहीं जीतोगे पूरे भाई? रेडियो पर आप आ जाओ, देखो आ जाओ आ जाओ। अच्छा सही है, देखते हैं इस बार ये लोग कमबैक मार पाएंगे नहीं मार पाएंगे। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 अभी स्टार्ट होने वाला है राउंड। अब क्या बोलना चाहेंगे भाई, हम तीसरे राउंड तक गए फिर हम गिर गए, और इन्होंने इस पुल ने माशाल्लाह मुझे बॉडी मेरी स्ट्रेच आउट कर दी है पूरी, अब मुझे रनिंग वनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आज। अब तो इसकी बारी है, सलमान भाई की बारी है। सेकंड राउंड के लास्ट के 2 सेकंड तक गया था, ये लास्ट बंदा है, देखते ही उसको स्कोर को टच कर पाते नहीं कर पाते। सलमान भाई तो पहली बार हो गए थे। खैर अबे अबे एक लूट डालो, 500 रुपये ज़्यादा ले लो, मैं कब ये था तो ओवर एक्टिंग नहीं कर। ले गया ले गया। 4, 3, 2, 1 जीत गया। तीसरा राउंड भाई जीत गया। लोगों को पता चल गया होगा कि मैं सेकंड पोजीशन पे आया हूँ, इस बुल ने मुझे धोखा दिया, मैंने इतनी कोशिश की बैलेंस करने की, मैं दुआएं पढ़ रहा था, मैं सब पढ़ रहा था, ये बेचारा तो अभी 0 स्कोर में, इसका तो कुछ हुआ है, मैं हाथ चल गया।
खैर तो अभी पॉइंट्स की अगर बात करी जाए तो जगजेश का 0 से 1 पॉइंट हो गया, क्योंकि जगजेश ये बुल वाला राउंड जीत गया है, सामने खड़े हुए हैं, बड़े मुस्करा रहे हैं, बराबर आ गए स्कोर के। जगजेश का 1 पॉइंट है, मेरा 1 पॉइंट है, सलमान का 1 पॉइंट है, और ये जो जो आखिरी भाई है इनके 0 पॉइंट है। पॉजिटिविटी चाहिए हाँ तुम लोग को, हाँ हाँ विमान खोरो भाई, 8 बॉल बुल के अंदर एक्स अलाउ नहीं होते, इन्होंने एक्स यूज करके जीते, तो टेक्निकली मैं इसको विन नहीं मानता। अब ये लोग विन माने या ना माने तो सही है, 3 पॉइंट्स मेरे हो गए और इन लोगों के 6 हो गए बकायदा। इन लोगों का कहना अगर है, हमारी बात हुई थी कौन जीतता है, ये नहीं हुआ कौन एक्स यूज करता है या नहीं करता, हम तो जीत गए, अब वो कोई नहीं देखता कि एक्स यूज किया नहीं। यार मैं क्या बोलूँ इस बात का जवाब, वो रूल अलाउ ही नहीं है भाई, एक्स यूज हुआ है किसी को नहीं था पता, एक्स हुआ हमने इसको फाउल दिया, एक्स यूज होता है नहीं होता, लेकिन जब पता चला नहीं होता तो हमने फाउल दिया, बॉल दी कहीं भी रख के मारो, उसने रखी और उसने अपनी लेकर गया, इसलिए हम जीते। वो तो हर फाउल पे मिलता है, खैर छोड़ो भाई इन लोग को। आफ्टर ऑल द गेम्स हम लोग ने सारे गेम्स वगैरह खेल लिए और डिसाइडेड ये हुआ है कि सलमान 5 पॉइंट्स लीड के साथ, जगजेश 5 पॉइंट लीड के साथ, मैं 3 पॉइंट्स के साथ, और ये पता नहीं 1 है 2 है, हाँ
एक या दो कुछ ऐसे ही है, कुछ ऐसे ही समझ लो, प्लस ए वन है प्लस वन दे दो, प्लस वन दे दिया तो आई को ट्रीट दे ली थी भाई ने 1000 सब्सक्राइबर्स को बोला था कि ट्रीट देंगे, लेकिन नहीं 15 जनों को लेके गया हूँ तो सॉरी मेरा अभी जेब खाली हो गई है, जेब खाली हो गई है, अभी चलेंगे चलेंगे कहीं भाई, हमारे हमको ट्रीट नहीं थी, 15 जने सारे हैं नए, ठीक है मैं बड़ा पुराना बंदा हूँ जिसने रिक्वेस्ट की थी, ये पॉइंट अब हमारा हक पहले, हमारा हक पहले, हाँ सही बात है, सही बात है। मल्ली इन लोगों को बड़ी खुशियाँ आ रही है, इनकी शक्ल में बड़ी स्माइल आ रही है, जो चैलेंज मैंने दिया था वो चैलेंज मैं खुद आ रही है, वाह 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 भाई सलमान भाई कितनी खुशी से पंगा ले लिया। हाँ और ये हाय, ये तो गलती से जीते, ये तो मैं मुझे पता है ये तो गलती से जीते, इनका तो कोई सीन ही नहीं था,